जो मन करे वो करें, जो मन करे वो करें। कोई ना कोई डील तो हुआ है, अब नीतीश कुमार लालू यादव को फिर एक बार धोखा देने जा रहे हैं। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते। अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता, तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, आप फिर इस बार आए 21 में, अब इसके बाद बराबर बात करते थे, इधर कोई बात नहीं है। अगर बात हो गई तब ना जानेंगे। वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है, है? है? पता नहीं, तो ही पता आपको क्या पता। यहाँ से इज्जत है, लेकिन क्या इच्छा है हमसे जब तक बात नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं। ठीक है, कौन छोड़िए ना उसके बारे में बारे में कोई पूछ नहीं। सब के बारे में आप लोग जानते हैं। कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जो मन करे वो करें। उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगताप बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें ये कहा था कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे, और स्वयं नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। तो कोई ना कोई डील तो हुआ है, और दोनों दलों के मर्जर के बारे में भी सहमति बनी थी। ये बात अलग है अगर नीतीश कुमार लालू यादव को फिर एक बार धोखा देने जा रहे हैं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह कहा कि जनता दल यू कमज़ोर हो रही है, इसमें गलत क्या है? अगर कमज़ोर नहीं होती जनता दल यू तो गोपालगंज और कुर्दी में चुनाव क्यों हार जाते ये लोग? अगर कमज़ोर नहीं होती तो जनता दल यू को पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें क्यों आती? तो अगर कोई पार्टी के भीतर मुद्दा उठा रहा है उसका जवाब देना चाहिए, उसको चुप कराने के बजाय। लेकिन नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि इन बातों का जवाब दे सके, क्योंकि फिर एक बार वो लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है।